सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। लगातार अतिथि शिक्षक इस वर्ष तो ज्ञापन देने में ही चला गया है दोस्तों। एक वर्ष से रेगुलर कंटिन्यू ज्ञापन दिया जा रहा है, कहीं जिले में, कहीं तहसील में दोस्तों, कहीं मंत्री को, विधायक को, मुख्यमंत्री को, और लगातार अतिथि शिक्षक परेशान है, अपने हक के लिए, अपनी अधिकार के लिए और अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, कर रहे हैं प्रयास। कभी जल में आंदोलन किया जाता है लेकिन सरकार के कानों तक बात नहीं पहुंच रही है। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। कल लोक शिक्षण संचालनालय गए थे अतिथि शिक्षक, ज्ञापन दिया है, बात की है आयुक्त से, आखिरकार जवाब क्या मिला है। तमाम जो कर्मचारी हैं लोक शिक्षण संचालनालय के, उनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, नीति बनाई जा रही है। आखिर नीति बनाई जा रही है तो इसमें इतना विलंब क्यों लग रहा है, इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षक। बात करें शिक्षक पात्रता परीक्षा के, बहुत से भाई पास भी हैं, फेल भी हैं। कई ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनकी जानकारी पोर्टल पर फीड हो चुकी है और कई इस जानकारी से वंचित हैं। कई तो ऐसे हैं कि जिनका मानदेय अभी मिला ही नहीं है और कई अतिथि शिक्षकों का मानदेय पेंडिंग में है, आवंटन को लेकर आदेश जारी हुआ है। लेकिन मैंने बात की कि सर कब तक मानदेय मिलेगा, तो बोले आवंटन नहीं है। मैंने कहा आवंटन आ चुका है, तो बोले अभी हमारे पास में आवंटन नहीं आया। डीडीओ कोर्ट के जरिए आवंटन प्राप्त होता है दोस्तों, और अगर आप में से कोई भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मुझे कमेंट्स जरूर करें आपका मानदेय कितने दिनों से नहीं मिला है और अभी एक या दो दिन में मिला है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आयुक्त के लिए जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या मांग की है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने, वो आप स्क्रीन पर देखिएगा। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन समिति जिला कार्यालय और श्रीमान आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल अतिथि शिक्षकों की मांगों के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि अतिथि शिक्षक 15 वर्षों से शासकीय शालाओं में कार्य करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में अतिथि शिक्षक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, लेकिन कुछ अतिथि शिक्षक पोर्टल बंद होने के कारण आज दिनांक तक ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है एवं प्रमोशन और नई शिक्षा भर्ती के दौरान बाहर हुए हैं। अतिथि शिक्षकों का समायोजन विकासखंड स्तर पर किया जाए, बिल्कुल एक सटीक तरीका है, बहुत अच्छी मांग इन्होंने की है। अगर विकासखंड स्तर पर अगर समायोजन होता है मित्रों, तो अतिथि शिक्षक जो कर रहा है उसे पास के स्कूल में कैलकुलेट किया जाएगा, जिससे कि वो उसको दूर ना जाना पड़े, क्योंकि इसका जो मानदेय है वो कम है। और अभी भी कहना है सर बहुत दिनों से नहीं मिला, ये सरकार कुछ करेगी नहीं, लेकिन आशा से आसमान टिका हुआ है। आशा हम कर रहे हैं इस सरकार से लगातार, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक, और विकासखंड स्तर पर अगर समायोजन होता है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी इनकी जो मांगे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रमुख मांगे निम्न अनुसार हैं। नंबर एक, जो पहली मांग है, 12 माह का कार्यकाल किया जावे, अतिथि शिक्षक के पद को रिक्त ना माना जाए। ये इनका कहना है कि 12 माह तक जो इनकी सेवा है वो ली जानी चाहिए, और इन्होंने कई बार ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को। और महापंचायत जब हुई थी तो तमाम ये बड़ी आशा यही थी कि सिर्फ पद स्थाई हो, बाकी मानदेय को लेकर अतिथि शिक्षकों की मांग नहीं थी कि हमारा मानदेय डबल हो, लेकिन हो नहीं सका। दूसरी है दोस्तों, नई ज्वाइनिंग एवं प्रमोशन से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों का समायोजन किया जाए, पोर्टल को खुलवाने का कष्ट करें जिससे अतिथियों की ज्वाइनिंग ऑनलाइन हो सके, और 2 सितंबर 2023 को आयोजित महापंचायत की घोषणाओं के आदेश जल्द जारी करवाने का कष्ट करें। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, अन्यथा समस्त अतिथि शिक्षक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद समस्त अतिथि शिक्षक संगठन समिति मध्य प्रदेश, ये कहना है। और अब एक ही उपाय बचता है आंदोलन का, बाकी और कोई उपाय तो नहीं है दोस्तों।
तो आप सभी भाई कैसे हैं, ठीक होंगे? बाकी फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय